रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विधानसभा भवन से निकली चिंगारी किन्नौर जिला तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेताओं ने सत्ता पक्ष को घेरने का काम भी शुरू कर दिया है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जब भी जनजातीय क्षेत्र के लोगों का मुद्दा सदन के अंदर उठाते हैं तथा जब भी सरकार को आईना दिखाते हैं तो भाजपा के मंत्रियों द्वारा हमेशा उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, जिसकी किन्नौर कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। ये बात पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम कुमार नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पिछली बार सदन में मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा विधायक जगत सिंह नेगी के ऊपर बहुत ही अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग किया गया था तथा इस बार भी सदन में मंत्री सुरेश भारद्वाज, राकेश पठानिया और स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा भी जगत सिंह के साथ जो व्यवहार किया गया है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब भी विधायक जगत सिंह नेगी जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दे सदन में उठाते हैं तो वे मुख्यमंत्री व भाजपा के मंत्रियों से बर्दाश्त नहीं होता तथा हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से बौखलाहट सामने आती है तथा भाजपा के मंत्री आपा खो बैठते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री भी हमेशा गुस्से में नजर आ रहे हैं तथा वे कभी कर्मचारियों पर कभी विधायकों पर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं, जो कि उनके सरकार के अंतिम वर्ष के कार्यकाल की बौखलाहट को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर विधायक जगत सिंह नेगी से माफी नहीं मांगते हैं तो भविष्य में किन्नौर प्रवास के दौरान उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हाल में विधानसभा का सेशन चला है हिमाचल प्रदेश के अंदर और इस विधानसभा सेशन के अंदर जो बजट के अंदर जो चर्चा हो रही थी विधानसभा के अंदर, जिसमें हमारे जनजातीय क्षेत्र के जिला किन्नौर के माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी ने जो देश और प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों को उठाया है या साथ ही जो है प्रदेश के अंदर जो है चार सालों से जो है भाजपा के शासन में जो नाकामियां थी उसको गिनाया है, तो वहां देखने में आया कि जो है प्रदेश सरकार की जो है मुख्यमंत्री जो अपनी नाकामी को सुनकर जो है बौखला गए और जो है माननीय विधायक के ऊपर जो है असंसदीय भाषा का उन्होंने जो प्रयोग किया है, जिसकी हम जो है पूरे जो है प्रदेश कांग्रेस, किन्नौर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस भी जो है इसकी निंदा करती है कड़े शब्दों में, क्योंकि मुख्यमंत्री को जो है अपने आप में शर्म आना चाहिए उनको कि वो सरकार के मुखिया होने के नाते उन्हें जो है मर्यादित तरीके से जो है भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था और अपनी नाकामियों को सबसे पहले उनको जो है सुनने की क्षमता रखनी चाहिए थी। अब अंतिम वर्ष जो है चुनाव का वर्ष है, सरकार का जाने का समय आ गया है, तो वो इतने बौखला गए कि उनके जो सारे साथी मंत्री या जो सत्ता पक्ष जो विधायक थे सब जो है बौखलाहट में नजर आए, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो है दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए वो चार सालों में कुछ विकास का काम उन्होंने प्रदेश के अंदर या जिला किन्नौर के अंदर उन्होंने किया नहीं है, इसलिए वो अपने जो है नाकामियों को देख करके जो है बौखला गए हैं। और जहां तक विधायक किन्नौर श्री जगत सिंह नेगी का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज था, उन्होंने बिल्कुल सही पूछा कि पेट्रोल पंपों के ऊपर इतने बड़े बड़े जो है पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री का जो है फोटो चिपकाया गया है और हंसते हुए पोस्टर लगाए हैं और दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई पिछले 5 सालों में 7 सालों में जो है लगातार 2014 के बाद कहां से कहां चली गई, तो आज भाजपा के लोग जो है सिर्फ जो है आम जनता को गुमराह करने पे लगी है, देश को गुमराह करने में लगे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने में लगे हैं और दोनों हाथ से जो है देश प्रदेश को लूटने में लगे हैं, और आने वाले समय में भी जो है किन्नौर के विधायक जो है इस तरह के जो सरकार की विफलताओं को जो है चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर वो सबके सामने जो है रखेंगे और रखते रहेंगे। और मैं जो है प्रेस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को या सत्ता पक्ष के सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह आप जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम भी जो है पीछे हटने वाले नहीं है, जो ईंट का जवाब जो है पत्थर, और आने वाले समय में भी जो है किन्नौर के विधायक जो है इस तरह के जो सरकार की विफलताओं को जो है चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर वो सबके सामने जो है रखेंगे और रखते रहेंगे। और मैं जो है प्रेस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को या सत्ता पक्ष के सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह आप जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम भी जो है पीछे हटने वाले नहीं है, जो ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा आपको, और अगर आप किन्नौर में जो है आते हैं
तो आपको भी उसी तरह असंस्कृत भाषा में ही हम जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए हमारी जो सलाह है कि आप जो है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ जो है सम्मानपूर्वक जो है संसदीय भाषा में का प्रयोग करते हुए जो है उसका जवाब देना सीखें। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए किन्नौर से अरुण नेगी। या तो रखे साया बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।